हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका लॉक है उसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेट कर लेना है अपना इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर आपको डेमो भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है और आपको ये सेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन अनलॉक, यानी कि स्क्रीन अनलॉक करने के लिए हम फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया, यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और इसी तरीके से आप ऐप लॉक पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाने के आपको यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड डालना होगा और आपका वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से प्राइवेट सेफ में करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड ए फिंगर, यानी कि फिंगर को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मेरी फर्स्ट फिंगर ऐड है लेकिन मुझे सेकेंड फिंगर ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेकेंड फिंगर को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड फिंगर ऐड कर दिया तो यहाँ पर मेरी सेकंड फिंगर ऐड हो गई है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप कितने भी फिंगर को ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।